Morning student, today we are going to start the lecture number 2 of the cell. Basic introduction were discussed in the earlier section. Right now we are going to start the shape and size of cell. Cell ki size aur shape ke bare mein apan discuss karenge. Jab apan cell ki size ke bare mein baat karte hain to bacterial cell se lekar ke ऑस्ट्रिच जो सिंगल एग सेल होती है वहां तक और अपन डिफरेंस देखने को मिलता है 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर दैट इज बैक्टीरियल सेल वेरी स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल वी आर नॉट एबल टू सी विथ अवर नेकेड आईज हम हमारी नेकेड आईज से उस सेल को नहीं देख सकते लेकिन यदि अपन बात करें दूसरे सेल की दैट इज योर ऑस्ट्रिच सेल दैट इज योर ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक सिंगल सेल होती है उसको यदि अपन बात करें तो उसकी साइज बहुत बड़ी होती है नियर अबाउट 170 into 130 mm जिसको अपन इजीली अपन नेकेड आई से देख सकते हैं तो इतना सारा डिफरेंस वेरिएशन अपन को देखने मिलता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन वो परफॉर्म करती है अनदर थिंग अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट नॉन सेल अपन एनिमल स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करते हैं वो आपके सामने निकल के आती है माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा इज द सिंगल स्मॉलेस्ट सेल दैट इज नियर अबाउट 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर यानी डायमीटर में 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर के अंदर वो हो सकती है यानी बहुत स्मॉलेस्ट होती है लार्जेस्ट एनिमल सेल की यदि अपन बात करते हैं सॉरी लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें नर्व सेल आपकी निकल करके सामने आती है नर्व सेल आपने देखी होगी बड़ी सबसे सेल होती है नियर अबाउट लेंथ के अंदर 90 टू 100 सेंटीमीटर यानी नियर अबाउट 1 मीटर के लगभग आपकी नर्व सेल होती है सबसे बड़ी सेल और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो आपका ऑस्ट्रिच एग आता है 170 into 130 mm तो ये कुछ फैक्ट थे जो सेल की साइज के बारे में डिनोट हो रहे थे तो सेल की जो साइज है वो अलग अलग सेल की साइज होती है ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल की साइज छोटी होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म ही छोटे होते हैं यानी इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें सेल की साइज बड़ी होगी नहीं सेल की जो साइज है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है सेल की जो शेप होती है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का फंक्शन कर रही है राइट फिर अपन बात करते हैं शेप की शेप में यदि अपन बात करें तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग शेप अपन को ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है सम सेल्स आर इरेगुलर इन शेप कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप इरेगुलर होती है कोई फिक्स नहीं होती जैसे अपन अमीबा की बात करें अमीबा कुछ भी शेप अमीबा की अपन बना सकते हैं WBC ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स उसकी भी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं इरेगुलर शेप्स होती हैं बट सर्टेन सेल्स हैव ए फिक्स्ड और पिक्यूलियर शेप उनकी एक पिक्यूलियर शेप्स होती है लाइक दैट स्पेरिकल स्पेरिकल शेप होती है ओवम की यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो स्पेरिकल शेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाइकोनकेव डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ योर RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स इरिथ्रोसाइट्स होती है उसकी जो शेप होती है वो बाइकोनकेव शेप्ड होती है अपन बात करें इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नर्व सेल की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर कुछ यू स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे ये पर्टिकुलर शेप्स होती है नर्व सेल्स की पॉलीगोनल शेप होती है लीवर सेल की लीवर सेल होती है उसकी पॉलीगोनल्स होती है तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप अपन को देखने को मिलती है साइज अपन को देखने को मिलती है किसी की फिक्स नहीं होती है वेरिएशंस होते हैं इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर सिंगल सेल होती है एंड यू नो सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन दैट आर कैरिड बाय द होल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जो है वो अपने आप एक वॉल ऑर्गेनिज्म का ही फंक्शन करती है उसमें डिविजन ऑफ लेवर नहीं होता है अब वो सेल का पर्टिकुलर जो फंक्शन होती है उसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है यानी सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनलीज हैं वो सब मिलकर के जो फंक्शंस करते हैं वो सब फंक्शन देखने को अपन को मिलते हैं सेल के थ्रू यानी सेल अकेली फंक्शन नहीं कर रही है ना सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनलीज है और सेलुलर ऑर्गेनलीज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट न्यूक्लियस ये सब मिलकर के फंक्शन करते हैं तब एक सेल का फंक्शन अपन को देखने को मिलता है क्लियर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर्स आर देयर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है काम का बंटवारा होता है यानी डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं जैसे अपन बात करें स्टोमक है वो क्या काम करेगा डाइजेशन का काम करेगा है?
आपका जो हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करने का काम करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है। ओनली सिंगल सेल इज देयर, सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सब अपने देखा सेल की साइज के बारे में, सेल की शेप के बारे में। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ डिस्कवरीज अपन देखेंगे, कुछ इन्वेंशन देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, है ना। रॉबर्ट हुक ने अपने पढ़ा था, एंटोन वॉन लियोनहॉक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ेंगे 1831 न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, है ना। पुरकिन जी के बारे में अपन पढ़ेंगे, फिजिकल जो बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म टर्म्स उसने 1839 के अंदर दिया था। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज अपन देखने वाले हैं। देखिए तो कुछ डिस्कवरीज की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में आप सब जानते हैं, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। क्वेश्चन ये आता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, देन द आंसर रॉबर्ट हुक इन 1665। क्वेश्चन इज दैट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल, ऑलरेडी अपन पीछे सेक्शन के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी जो थी वो भी रॉबर्ट हुक के द्वारा थी। लेकिन बात अपन करेंगे एंटोन वॉन लियोनहॉक, एंटोन वॉन लियोनहॉक 1674 ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल की यदि अपन बात करें, सो डिस्कवरी जो हुई थी वो 1674 के अंदर एंटोन वॉन लियोनहॉक ने की थी। और लिविंग जो सेल थी वो कहां से ली थी, उसने पोंड वाटर से उसने ली थी, उसकी डिस्कवरी की थी। एंड द डिस्कवर्ड बाय द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उसने खुद ही डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उसने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट लिविंग सेल 1674, राइट। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस इन 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। और न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। वाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज अवर ब्रेन कंट्रोल ऑल अवर एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी, दैट्स वाई सेम थिंग इन द केस ऑफ द सेल, ब्रेन दैट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। सो डिस्कवर्ड बाई द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। उसके बाद अपन बात करते हैं साइंटिस्ट पुरकिंजे, पुरकिंजे कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म थी वो किसने दी थी, पुरकिंजे ने दी थी। कब दी थी, 1839 के अंदर। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए मैं एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आपकी सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा जो सेल के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन जिसमें फ्लूड है, दैट्स फ्लूड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो कंबाइंडली न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म द टर्म वॉज गिवन बाई द साइंटिस्ट पुरकिंजे इन 1839, राइट। 1839 के अंदर उसने टर्म दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट और था हक्सले, हक्सले ने यह बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का फिजिकल बेस है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट द प्रोटोप्लाज्म, इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ का फिजिकल बेस है, एक आधार है। वो किसने बात बताई, हक्सले ने बताई थी। अब अपन लास्ट में आते हैं सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी प्रपोज बाई टू साइंटिस्ट, अनदर वन, फर्स्ट वन दैट इज जर्मन बॉटनिस्ट एम्स लीडन, बॉटनी से था, सेकेंड वन जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मनी से था, वो जूलॉजिस्ट था, टी स्वान, एम्स लीडन एंड टी स्वान। देखिए एम्स लीडन और टी स्वान ने क्या क्या किया था, क्या बातें बताई, अभी अपन डिस्कस करते हैं। एम्स लीडन एंड टी स्वान, यानी एम जो स्लीडन था एक टी स्वान था, एम्स लीडन कौन था, बॉटनिस्ट था, ये कौन था, जूलॉजिस्ट था, ठीक। बॉटनिस्ट था तो ऑलरेडी अपन जानते किसकी स्टडी किया उसने, प्लांट्स की स्टडी किया, जूलॉजिस्ट किसकी स्टडी करता है,
एनिमल्स की स्टडी करता है, पता है ना आपको, बॉटनिस्ट। और वो द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट द साइंस इज कॉल्ड बॉटनी। द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। एंड द साइंटिस्ट रिगार्डिंग द जूलॉजी दैट इज जूलॉजिस्ट। साइंटिस्ट ऑफ द बॉटनी दैट इज कॉल्ड बॉटनिस्ट। क्लियर है? सो एम स्लीडन एंड टी स्वान, इन एम स्लीडन 1838 और टी स्वान 1839, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों मिलकर के एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे, दोनों मिलकर एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे। और दैट कंक्लूजन वाज दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे कंपोज्ड है, सेल से कंपोज है। उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। और वी अनदर सेम थिंग वाज रिपीटेड, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो ये जो प्रपोजिशन था, ये जो थ्योरी थी, वो एम स्लीडन और टी स्वान ने बताई थी। दोनों एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे, उन्होंने प्लांट के ऊपर डिस्कस किया, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर डिस्कशन किया, और कंक्लूजन निकल के आया ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो सेल से बनी होती है। ये जो सेल थ्योरी है वो दी थी एम स्लीडन, एम स्वान ने, टी स्वान ने 1838-1839। लेकिन इसके बाद में एक अनदर साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चियो। रुडोल्फ विर्चियो 1855 के अंदर उन्होंने ये जो थ्योरम थी इसके साथ एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड कर दी। क्या उन्होंने ऐड किया, न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी इन्होंने ये बता दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, चलो ठीक है यहां तक, लेकिन ये जो सेल्स आई कहां से। तो फिर उसका फर्दर एक्सपेंड किया, सेल थ्योरी को एक्सपेंड करने का काम रुडोल्फ विर्चियो ने किया 1855 के अंदर। क्या बताया उन्होंने, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मीनिंग क्या हुआ, देखिए ये अपने पास सेल है, इसका डिविजन हुआ और दो सेल्स अपने पास बन गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सेल्स है ना वो कहां से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, उसके डिवीजन से आई है। ये यहां पे लाइन कंप्लीट हो जाती है। ऑल सेल्स आर कंपोज ऑफ द ऑल बॉडी ऑफ द एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड न्यू सेल्स, ये नई सेल्स है ना, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का क्या होगा, डिवीजन होगा। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन होने के बाद नई सेल्स बनती है। सो अभी जो मॉडर्न जो अपन सेल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें दोनों स्टेटमेंट अपन इंक्लूड करते हैं। द स्टेटमेंट नंबर वन, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होगा, डिविजन होगा और नई सेल्स बनेगी। सो ये थी सेल थ्योरी। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में सिंपल डिफरेंस, और फिर अपना लेक्चर एंड करने की तरफ चलते हैं। पेशेंस बनाए रखें। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस, सेल मींस सेल। इट मींस द सेल विच हैज प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मींस वेल डेवलप नहीं है, यानी नॉट वेल डेवलप, यानी ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, यू मींस ट्रू, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर होगी? अब अपन सेल की प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसकी साइज होती है ना बहुत छोटी होती है, जबकि इसकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या और डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये सेल है, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, फैला रहता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होती। सो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ना उसको न्यूक्लियस नहीं अपन कहते, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। व्हाट इज न्यूक्लियोइड,
the genetic material is scattered in the cytoplasm part. That's why it is called nucleoid. But in eukaryotic cell, nucleus is present. True nucleus is present. Well covered by the well membrane, double membrane. Double membrane से cover होता है. Next difference, membrane bound cellular organelles are absent. Endoplasmic reticulum, Golgi body, ये सब इस mitochondria, ये सब absent होते हैं इसके अंदर. But in eukaryotic cell, membrane bound cellular organelles are present. Membrane bound cellular organelles present होते हैं, like endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome. Next difference, in prokaryotic cell only single chromosome is there, only single chromosome is there, but in eukaryotic cell more than one chromosome is present. Stone protein जो है वो absent होता है जबकि इसमें stone protein present होता है. So that are the differences of prokaryotic cell and eukaryotic cell. The organism which have the prokaryotic cell, that organism is called prokaryotes, and the organism that have eukaryotic cell, that organism is called eukaryotes. Us organisms ko apan eukaryotes naam denge. Clear hai? Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.